हरदोई की टड़ियावां पुलिस ने 11 साल के बच्चे की हत्या का खुलासा करते हुए एक युवक को आला कत्ल वाके के साथ जेल भेजा है। पुलिस की तफ्तीश के मुताबिक जो आरोपी युवक है उसकी और मृतक के बच्चे की मां के साथ अवैध संबंध थे। जो बच्चा है वो लगातार उस संबंधों में बाधक बन रहा था, जिसके चलते उस युवक ने उसे रास्ते से हटाने की सोची और पहले उसका गला दबा करके हत्या की, उसके बाद उसके शव को कई टुकड़ों में विभाजित करके फेंक दिया। इस पूरे मामले में आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल में कितने साल तीन चार साल से साफ है, मतलब संबंध था। थाना क्षेत्र टड़ियावां में खपरा गांव है, जहां से एक 11 वर्षीय बालक राम निवास 28 फरवरी को गायब हो गया था, जिसकी डेड बॉडी 8 दिन बाद एक गेहूं के खेत में मिली थी। इस प्रकरण में गुमशुदगी लिखी गई थी और पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 4 टीमों गठन किया गया था। टीमों ने मेहनत करके इसमें अनावरण किया है और इसमें इन्हीं के गांव के और पड़ोसी मुनीम पकड़े गए हैं, जिनके द्वारा उस बालक को की मां से संबंध उजागर हुआ है विगत 5 वर्षों से, और वो बालक इनके रास्ते में प्रॉब्लम के रूप में सामने आ रहा था। इसलिए पहले इन्होंने बालक का गला दबा दिया और उसके बाद रात में उसको छिपाने के उद्देश्य से गेहूं के खेत में ले गए और वहां पर इन्होंने उसका बॉडी कई जगह से काट दिया था। इस प्रकरण में चारों टीमों ने मिल करके बहुत अच्छा काम किया है और प्रकरण का उजागर हुआ है, आला कत्ल बांका बरामद हुआ है, अग्रेतर विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है।